लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन, ये ऐसे शब्द है जो फ्री फायर अनबैन से भी अधिक स्कैम किए जा रहे हैं। मतलब अभी के समय में अगर आप किसी के कमेंट बॉक्स को चेक करते हो तो आपको सिर्फ यही कमेंट देखने को मिलेंगे, लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन। क्या है ये? मतलब जो फ्री फायर छोटी छोटी गलतियों के लिए आईडी बैन कर देता है, क्या वो आपकी आईडी को अनबैन कर देगा? जैसे अगर आपने ग्लिच फाइल को यूज किया तो आईडी बैन, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज किया तो आईडी बैन, अगर आपने कोई रैंडम मैच स्टार्ट किया और आपका कोई टीममेट हैकर निकला तो भी आपका आईडी बैन। मतलब भाई ये तो कुछ भी नहीं है। और फ्री फायर वाले तो और भी स्ट्रिक हो जाएंगे। मतलब अगर आपने किसी को गेम में गाली दिया या फिर कुछ फालतू बोल दिया तो भी आईडी बैन हो जाएगी। यही नहीं, अगर आप किसी ग्लिच को यूज करते हुए पकड़े गए तो भी आईडी बैन। फिर भी आप लोग यही उम्मीद कर रहे हो कि फ्री फायर वाले आपकी आईडी अनबैन कर देंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। फ्री फायर वाले आपके पुराने आईडी को अनबैन कर देंगे, और ये कैसे होगा सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई लोग। तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग ऐसे ही स्कैम करते रहे तो ये बात फ्री फायर वालों के पास पहुंच जाएगी और आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए मिल सकता है जिसमें आपको अपना आईडी लिखने के साथ साथ रीजन भी लिखना पड़ेगा कि आपका आईडी किस रीजन की वजह से बैन हुआ था, और इसी हिसाब से आपका आईडी अनबैन किया जाएगा। और जिनकी आईडी हैक लगाने की वजह से बैन हो गई थी उनका आईडी कुछ महीनों या कुछ सालों तक ही सस्पेंड किया जा सकता है, उसके बाद उनका आईडी अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन इसका निगेटिव साइड भी है कि गेम में हैकर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हैक लगाने से आईडी केवल कुछ महीनों के लिए सस्पेंड होगा। तो गाइस आपको क्या कहना इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उनकी आईडी 100% अनबैन हो जाएगा जिनकी आईडी बिना किसी गलती का बैन हो गया था या ग्लिच फाइल यूज करने से। बस गरेना वालों को अपना हेल्प सेंटर को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी हेल्प मांगते हो तो आपको रिप्लाई ही नहीं मिलता है, या फिर जब रिप्लाई मिलता है तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। तो गाइस आपके ये स्कैम करने से बहुत फायदे हैं। गरेना वाले आपकी बात लेट से ही सही लेकिन सुनेंगे जरूर, क्योंकि इसमें आपसे अधिक गरेना वालों को फायदा होने वाला है, क्योंकि काफी सारे ओल्ड प्लेयर जिनकी आईडी बैन हो गई है वे लोग वापस आ जाएंगे और उसी एंजॉय के साथ गेम खेलेंगे। इसलिए गाइस लगे रहो, क्योंकि गरेना वालों को कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वे सभी आईडी को अनबैन कर सकते हैं धीरे धीरे फॉर्म्स को भरवा कर या फिर अपनी हेल्प सेंटर को अपग्रेड कर। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।